हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो मैं मीनाक्षी आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ चटपट बनने वाले इजी से DIYs, जो दिवाली की तैयारियों में आपके घर में चार चांद लगाएंगे, तो जिसके लिए आपको ज्यादा भी स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। ये बिल्कुल बजट फ्रेंडली होंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अपने फर्स्ट DIY के लिए मैंने लिए हैं दो राउंड शेप के MDF। आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का यूज भी कर सकते हैं। तो मैंने मार्जिन्स लगा लिए हैं और लिया है थोड़ा सा क्ले। मोल्डेड क्ले आता है, ये दो पोर्शंस में आता है। इसको आप मिक्स करेंगे तो आपका एक डो अच्छा सा बनकर रेडी हो जाएगा। उसे हमें एक स्ट्रिंग बनानी है। स्ट्रिंग बनाने के लिए फ्लैट सरफेस का यूज करिएगा। तो स्ट्रिंग बनाने के बाद मैंने उसे अच्छे से राउंड शेप में पेस्ट कर दिया है, जो मार्जिन हमने लगाए थे पहले। उसके बाद मैंने जैसो अप्लाई किया है एंड देन मैंने अपनी मर्जी के कोई भी कलर्स यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसे हम दिवाली के लिए बना रहे हैं, जो कि है बिल्कुल फेस्टिवल्स के लिए। तो मैंने थोड़े से ब्राइट से कॉम्बिनेशंस का ही यूज किया है। अब सर्कल्स बनाने के बाद, कलर करने के बाद, यहाँ पर हम लगाएंगे छोटे छोटे मिरर्स। डिटेलिंग के लिए मैंने यहाँ पर डॉट्स का यूज किया है एंड सेंटर में जो सर्कल था उसके ऊपर मैंने फ्री हैंड लिखा है शुभ लाभ। तो मेरा शुभ लाभ वॉल हैंगिंग जो है वो बनकर रेडी है। हैंग करने के लिए मैंने पुरानी राखियों का यूज किया है और पुराने लेसेस का यूज किया है। सो, आप बताइए कि आपको कैसा लगा। सो, आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। उसे बनाने के लिए मैंने लिया है एक ये A4 साइज की शीट। कलर यहाँ पर मैंने वाइब्रेंट सा ही लिया है। अपनी शीट को फोल्ड करने के बाद हम इसे हाफ पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। सो, एक शीट से मैं दो दिए बनाऊंगी। इसको क्रिस क्रॉस फोल्ड करने के बाद उसे मैं अगेन एक फोल्ड दूंगी एंड देन इसका जो शेप होगा वो दिए की तरह दिखेगा आपको। इसको सिक्योर करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टेपलर का यूज किया है। आप फेविकॉल का यूज भी कर सकते हैं, बट उसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने स्टेपलर यूज किया था। दिया की बाती बनाने के लिए भी यहाँ पर मैंने शीट्स का ही यूज किया है। डिफरेंट डिफरेंट कलर की शीट्स का आप यूज कर सकते हैं। रेड, ऑरेंज और येलो कलर से ही मैंने इन्हें बनाया है। अब प्रोसेस सभी का सेम है। ये बाती को पेस्ट करने के लिए मैंने डबल टेप का यूज किया है। पहले रेड वाली यूज की है, देन उसी के ऊपर मैंने येलो वाली को पेस्ट कर दिया है डबल टेप की हेल्प से ही। तो ऐसे मैंने 3-4 दिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं। नाउ ये कलर्स ही इतने वाइब्रेंट थे, ये देखने में ही बड़े ब्यूटीफुल लग रहे थे। अब इनको हैंग करने के लिए मेरे पास ये गोटा पट्टी वाली थ्रेड थी। उन्हें हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर फेवी बॉन्ड का यूज किया है, जो कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। गोटा पट्टी फ्लावर्स के ऊपर मैंने मिरर्स को लगा करके इसे बहुत ही सिंपल तरीके से डेकोरेट किया है। सो इसे हैंग करने के बाद आप फाइनल लुक देखिए यहाँ पर। तो हमारी दिया वॉल हैंगिंग बनकर तैयार है एकदम झटपट और इन बजट। इसीलिए मैंने बोला था कि सारे DIYs बजट फ्रेंडली हैं, इनमें ज्यादा तामझाम की जरूरत बिल्कुल नहीं है और देखने में भी उतने ही सुंदर लगते हैं। तो कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये DIY कैसा लगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड प्रेस द लाइक वीडियो। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे DIY की तरफ। तीसरे DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर कार्डबोर्ड। तो इस कार्डबोर्ड से हम बनाएंगे इजी सा एंड झटपट बनने वाला झरोखा आर्ट। अब वैसे तो झरोखा आर्ट थोड़ा राउंड शेप में, कर्व शेप में होता है, उसे कट करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ इजी सा बिल्कुल झरोखा आर्ट। इसे बनाने के लिए सिंपल कार्डबोर्ड को हार्ट शेप में कट किया है एंड उसके बाद सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पर आइसक्रीम स्टिक्स का भी यूज किया है। फेविक्रिल, एक्रेलिक कलर आप कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इन्हें कलर करने के लिए सिंपली आप इन्हें कलर करिए और जो भी डिजाइन आपके मन में है आप वहां सेंटर पोर्शन में बना दीजिए। डिजाइन भी मैंने बिल्कुल इजी से रखे हैं। किसी में मिरर्स का यूज कर लीजिए, किसी में आपके पास कोई और डेकोरेटिव मटेरियल हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। कार्डबोर्ड की रफ एजेस को छुपाने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन एंड सिल्वर कलर की टेप का यूज किया है। मेरा ये जो झरोखा DIY है ये भी बनकर झटपट बिल्कुल तैयार है। अच्छा, आज मैंने यहाँ पर वो येलो और रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन छोड़कर थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई किया है।
बट बिलीव मी ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। जितना सुंदर रेड और ऑरेंज और येलो लगता है उतना ही ब्यूटीफुल सिंपल सोबर ये भी लग रहा था। तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर आपको ये वाला कलर ज्यादा अच्छा लगा या रेड वाले में ज्यादा देखना प्रेफर करेंगे। तो मैं रेड वाला दोबारा से बनाऊंगी। तो आइए बढ़ते हैं अपने चौथे DIY की तरफ। इस DIY के लिए मैंने यहाँ पर लिया है फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। मोल्डेड क्ले जैसा कि आपको पता ही होगा कि दो पोर्शंस में आती है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पास ये व्हाइट कलर का एक डो रेडी हो जाता है। नाउ इसे जो स्मूथ चले ये, इसके लिए थोड़ा सा पाउडर स्प्रिंकल करेंगे। इसके बाद रोलर की हेल्प से इसे सिंपली रोल करेंगे राउंड शेप में। राउंड भी नहीं होता है वैसे, मोस्टली ये तो चिपक जाता है, छुटाते हैं तो इसका शेप ही बदल जाता है। तो इसको सिंपली हम रोल कर लेंगे। रोलिंग के बाद हम इसे पेटल्स वाली शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद थोड़ी सी क्ले हमारी एक्स्ट्रा बचेगी। सेम यही प्रोसेस हम उसके लिए भी फॉलो करेंगे और एक छोटा सा उल्ली या दिया लाइट होल्डर बनाएंगे उससे भी। प्रोसेस सेम रहेगा। थोड़ी सी क्ले जो बची हुई थी उस पे भी मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया और एक छोटा सा टी लाइट होल्डर मैंने यहाँ पर बनाया है। अब अपने जो मैंने पेटल्स वाले कट करने के बाद उसे हम बाउल के ऊपर सूखने के लिए रख देंगे। रात भर ये सूखेगा। थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दीजिएगा पहले सो देट निकलने में इजी रहे। आप देखिए बहुत स्मूथली निकल जाते हैं ऑयल अप्लाई करने के बाद। देन इसको हम जैसो अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी कलर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एजेस पे मैंने गोल्डन कलर अप्लाई किया है सो देट ये हाईलाइट हो जाए अच्छे से। नाउ माई टी लाइट होल्डर इज रेडी। आप इसे कैसे भी अपने अकॉर्डिंग इसे डेकोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यूज किया है बिकॉज रात हो रही थी तो मैंने रियल वाले तोड़े नहीं। तो आप रियल फ्लावर्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं और उसके बीच में कोई भी एक कैंडल लाइट कर सकते हैं। कितना इजी झटपट ये बनकर रेडी हो गया और देखने में सेंटर टेबल पे लगा के देखिए बहुत सुंदर लग रहा था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको कौन सा DIY अच्छा लगा और अगर आप ये ट्राई करेंगे तो प्लीज मुझे मैसेज जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले DIY की तरफ। ये कलरफुल काइट्स मैंने होली फेस्टिवल की डेकोर के लिए बनाई थी। तो ये बिल्कुल ठीक रखी हुई थी, इनकी कंडीशन बिल्कुल एकदम ठीक थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको भी हम रीयूज करें। तो सिंपली मैंने इसके नीचे एक बैल हैंग की है विद द हेल्प ऑफ गोटा पट्टी लेस। पेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर सेलो टेप का यूज किया है। आप कोई और डबल साइडेड टेप तो नहीं चलेगी वैसे इसमें, इसे मैंने सेलो टेप से ही पेस्ट किया है। फेवी बॉन्ड से आप पेस्ट कर सकते हैं, इजीली ड्राई हो जाएगा। तो मेरे पास ये चार पीस पड़े हुए थे, मैंने चारों के नीचे ऐसे बैल हैंग कर ली है। ये चारों वैसे ही इतने सुंदर लग रहे थे बिकॉज कलर्स इनके इतने वाइब्रेंट हैं। ये आप कहीं भी हैंग करेंगे तो वैसे भी बहुत सुंदर लगेंगे। बट मैंने इन्हें हैंग करने के लिए यूज की हैं ये गेंदा वाली गेंदा फ्लावर्स की जो माला होती है, गार्लिंग्स होती हैं, वो यूज की है। आप यहाँ पर फ्रेश फ्लावर्स की गार्लिंग्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने इनको अपने कर्टेंस में हैंग कर दिया है सिंपली। ये लुक कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही थी, फेस्टिवल वाइब्स आ रही थी इसे देखकर। और कितनी जल्दी ये बनकर रेडी हो गया। और इसे बनाया मैंने कार्डबोर्ड से ही था, कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने कलरफुल शीट्स पेस्ट करी थी बस। ये वाला DIY भी मेरे लिए बहुत इजी। मेरी बेटी के स्कूल में एक्टिविटीज चल रही थी, देन उसने ये मटकी पेंट की थी स्कूल में ही। सी कितनी सुंदर उसने बिल्कुल सफाई से पेंट की है। तो मैंने यही यूज किया और बोल भी रही थी मम्मा आप मेरी मटकी यूज कर रहे हैं। मैंने कहा यस बेटा थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। तो ये DIY के अंदर हमने बस ये मटकी ली है, इसको आपको प्लेस करना है थोड़ा टिल्ट करके। एंड ये गार्लेंड्स जो थी मैंने यहाँ पर सिंपली अरेंज की है, आप किसी भी शेप में अरेंज कर सकते हो। और यहाँ पर एक दिया लगा दीजिए, ये वैसे ही देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं। एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू।